महबूबा जी, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और नेहरू गांधी परिवार, और उनकी लूट की दास्तां लगातार बढ़ रही। अब उन्हें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर अंकुश लगा लिया। अब उनकी चल नहीं रही, जनता उनको मान नहीं रही। ऐसे में वो कभी पाकिस्तान की बात करती है, कभी चाइना की बात करती, कभी कश्मीरी पंडितों के निर्वासन की बात करती। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बताइए कश्मीरी पंडितों का निर्वासन हुआ क्यों था? 90 के दशक में कौन सत्ता में था? किनके कारण कश्मीर से पंडितों को निकलना पड़ा? कौन उसके लिए जिम्मेवार है? जम्मू कश्मीर की जनता और भारत की जनता जानना चाहती है, और देश ये अच्छी तरह जानता है कि किनके हाथ उनके खून से रंगे।